आगे बढ़ते हैं और अब बात डिजिटल बाल मेला 2021 के सीजन 2 की। फ्यूचर सोसाइटी और LIC की ओर से इस डिजिटल बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर रोज नामचीन हस्तियां बच्चों के साथ वर्चुअल संवाद कर रही हैं। यह हस्तियां बच्चों से बात कर अपने अनुभव साझा कर रही हैं, तो बच्चे भी अलग अलग विषयों पर अपने विचार रख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बच्चों की सरकार कैसी हो, इस पर चर्चा की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश के प्रतीक शर्मा ने कहा कि वे PM होते तो सबसे पहले देश को शराब मुक्त करते और पूर्ण शराब बंदी कराते। इसके अलावा कई बच्चों ने बाल मजदूरी को लेकर भी अपने विचार रखे। आपको बता दें कि डिजिटल बाल मेले में अब तक मंत्री टीकाराम जूली, कई विधायक, योगा ट्रेनर बच्चों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस दौरान गेस्ट ने बच्चों के अलग अलग विषयों पर पूछे सवालों के जवाब दिए, तो उन्हें अपने करियर के बारे में भी बताया। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इस देश की सरकार का प्रमुख होता, तो सर्वप्रथम मैं जो कार्य करता, सर्वप्रथम मैं जो फैसला लेता, वो होता पूर्ण शराब बंदी के ऊपर। जी हाँ, सर्वप्रथम मैं पूरे देश में शराब बंदी करवाता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के लिए शराब एक कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है, एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है पूरी कंट्री को रन करने के लिए, जो कि हमारी जो अल्कोहल है, शराब है, या फिर बाकी जो आबकार की चीज़ें हैं उनसे आती है। लेकिन यदि हम शराब बंदी करते हैं तो हमारा पैसा वैसे ही बहुत बच जाएगा। अगर हमें अपनी सोसाइटी के सोशल इविल्स को सॉल्व करना है तो हमें उनका सोल्यूशन जड़ से खोजना होगा।